मोहब्बत भी तुहाडे नाल कीती है ते लुक लुका के ही कीती है ना। बच्चियां दा ज़हन कच्चा होंदा है, उन्हां नाल जोर जबरदस्ती या सख्ती करन नाल वो बगावत ते भी उतर आते हैं। कि तू मैनू एथों क्यों देना चाहिए? पहली बीवी को इजाजत लेना यही कानून ते मजहब। मैं उन्हें हुण बीवी नहीं रहन दिया, फिर तो मैनू कोई इजाजत नहीं लेनी पैगी। ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਲਮਹੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਲੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਰਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸੋ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਅਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਾਤਿਮਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਵੱਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪ ਚਾਹ ਲੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੁਕ ਗਈ? ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਦਫ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝੀ? ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਹਿਮਾ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੀ ਕੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌ।
वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें नहीं हाली तक सुता? छेती सौ जाया करो, सवेरे ऑफिस जाना होंगे, फिर देर हो जाती। अजी दरअसल नींदर नहीं सी आ रही, इस करके मैं सोचा कि थोड़ी देर रास्ते छत पे चला जाऊं। नसीम ने पैसे भेजते सन जी? हाँ जी जी, भिजवा दें। ठीक है, चल जाओ सो जाके। बच्चे जवान हो जान ते उन्हां नाल सख्ती नहीं करनी चाहिए। शाह जी, सख्ती ना करिए, तिकी बच्चियां नाल हाथ जोड़ के गल करिए। गल हाथ जोड़न दी नहीं, बच्चियां दी अपनी एक नफसियात होंदी है, उन्हां दी अपनी एक सोच होंदी है, अपनी आदत होंदी है, ते बच्चियां नूं उसे हिसाब नाल समझाना पैंदा है। तरबियत देन मां बाप, ते सोच उन्हां दी अपनी होवे, ए किस तरह हो सकदा? ए होई ते नचा, इन्हें ते फितरत कहिंदे। देखो मैडम, बच्चियां दा ज़हन कच्चा हुंदा है, उन्हां नाल जोर जबरदस्ती या सख्ती करन नाल वो बगावत ते भी उतर आउंदे। जी, एक फलसफा ताड़ा हो सकता है मेरा, पर इस डर तो नहीं दसती कि कितने मैंने छड़ ना जाए। पर पाजी, तुसी अपने नाल ते उन्हां नाल दोनों नाल ज्यादती कर रहे। सख्ती करन नाल वो बगावत ते भी उतर आ। बगावत करके ते वेखन, एक मिनट इच तक्के मार के घरों बार कर देंगी। दो दिन फकीरा वांगू सड़क ते फिरनगे ते होश ठिकाने आ जानगे। मैडम, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਲਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਨੇ ਤੇ ਔਲਾਦ, ਔਲਾਦ ਸਿਰਫ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਾਪੁਖਤਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰ ਚ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। बहुत हो गया, चुप हो जाओ। थोड़ी देर ही हुई सी, केड़ी क्यामत आ गई सी। तुम्हें पता तो है मेरी तबीयत, थोड़ी जल्दी आ जाया करो। यावर ना रुनी है ते कारा नु दिल ही नहीं करता। की मतलब? तुसी पार्टी च नहीं सी गए? बाजी अपने लिए कोई नवी मुसीबत ना खड़ी कर लेना, जे अम्मी नु पता चल गया तो फिर होर की होएगा। जिन्नी साडे नाल हुंदी है ओदे तो थोड़ी वध हो जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਅੰਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
मैं इस कैद नहीं रह सकती। इतनी रेंगे हूं यह घर तुम क्यों कैद लगन लग गया? जो तक प्यार मुहब्बत की दुनिया नहीं वेखी इस कैद का एहसास ही नहीं हूँ एहसास मिले तो एक एक लम्हा महीनों के सालों के बराबर लगे तो कि यावर भाई इन्होंने सारिया गलों का पता इन्नी बारी दसन की कोशिश की है पर इस डर तो नहीं दसती कि कितने मैं छड़ ना जा पर भाजी तुम अपने नाल ते उना नाल दोना नाल ज्यादती कर रहे हो पर मैं की करा मैं उसके बगैर नहीं रह सकती भाजी तुम यह सब गलत कर रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम तो अमीली तबीयत में जानते हो जो अपनी जिद ते आड़ गए फिर तुम्हें कितने भी कुछ नहीं रहने देंगे पर मेरी समझ में कुछ नहीं आता मैं की करा तुम्हें हौसला करके अम्मी नाल गल करनी चाहिए मैं नहीं कर सकती तो फिर वो भी ना करो जो तुम कर रहे हो अपने नाल किसी दूसरे शरीफ बंदे की भी जिंदगी खराब ना करो मैनू डर है किधर मैं छड़ ना दे जिस प्यार से तुम्हें यकीन ही नहीं उनके नाल जिंदगी गुजारन बारे तुम कि सोचते यकीन यकीन तो मैं अपने आप से नहीं तो फिर पहले यकीन कर लो तो फिर प्यार कर लेना जो तुहाडे कोल यावर भाई नाल गल करन दी हिम्मत नहीं ते अम्मी नाल गल करन दा हौसला नहीं ते फिर तुसी प्यार करन किन तो मैं अम्मी नाल गल नहीं कर सकती ते फिर ठीक है मैं यावर भाई नाल गल करनी है तू तू की गल करेंगी अपनी जिंदगी ते तुसी सवार नहीं सकते पर मैं तुहानू यावर भाई दी जिंदगी खराब नहीं करन दूंगी तेरा लगता की है तेन बड़ी जिंदगी की फिक्र मैं उन्होंने जिंदगी की नहीं थोड़ी जिंदगी की फिक्र की मतलब है तेरा तुम हौसला तो करो अगे तो बदो अपने दिल की गल कह के तो वे सकते ने फिलहाल चलो सुबह सही ख्याल रख्या कर डेढ़ साल की सी जो मैं तेरे वास्ते मंगया सी तेरे नाल बहुत सोहनी लगेगी इसे करके तेन उस कार च घलिया मैं अपने पुत्र की वोटी उस कारो लिया गए ध्यान ना रवी मैं तेन इसे कार ही ब्याहना है ध्यान ना रवी मैं तेन इसे कार ही ब्याहना है तबीयत ठीक है ना
मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ। तो फिर अड्डी जोर जोर दे नाल चलांदे क्यों पे हो? मैं किदे नाल गल्ला कर रहे हैं? नहीं दे, मैं तो किसी नाल गल्ला नहीं कर रहा। मैं तो किसी नाल गल्ला नहीं कर रहा। तुसी कह रहे कि मैं जरूर गल करांगा, जरूर गल करांगा। हो सकता है कोई गल हो जी मैं करनी हो, पर यह कोई गल नहीं, यह कोई गल नहीं। अच्छा अच्छा, फिर मैं चलनी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं ठीक हूँ। पर तू है दस, तू इतने खैर नाल ते कोई काम तो नहीं सी? काम तो सी, पर हूँ थोड़ी तबीयत कुछ सही नहीं लगती। फिर सही? नहीं, तू दस की काम है? मैं ठीक हूँ, तू दस। मैं तो बस बुलाने लिया सा, वो काम तो आप ही सी। फातिमा नू मेरे नाल काम? हाँ दस की काम है? काम तो आप ही दस सकते ने फिलहाल। चलो सुबह सही, फिलहाल तुसी आराम करो, मैं चल। नहीं मैं ठीक हूँ। मैनू तो लगता है वो कबूतर वांगू अखां बंद करके बह गए ने। सलमान इंडस्ट्री साढ़े वास्ते असर बंदी जा रही है। मैडम, जदों तक सलमान जिंदा सी उदों तक ते हालात बिल्कुल ठीक सन। उन्हां तो मरण तो बाद जदों उन्हां दी बीवी ने कुर्सी संभाली है, हालात खराब होते जा रहे हैं। मेरी समझ च नहीं आ रहा, असी जड़ा टेंडर भरने साढ़े सामने क्यों आख लाते हैं? टेंडर भी हमेशा उन्होंने कंपनी का ना खुलता है। की मतलब है? मेरा ख्याल है जो मैं कह ताड़ी समझ च आ गया। मैडम, साढ़े को कम करने वाले सारे पुराने बाइतमाद के तजर्बकार हो गए, असी किवें किसी नु हथ पा सकने? एहो जे कम्मां दे सबूत कागजां च नहीं मिलते शाह जी, इहदे विच अपनी नजर अकल दा इस्तेमाल करना पैंदा है। ते शाह जी, पैसा बहुत बुरी बला है। तुहाडा मतलब है साड़ी कंपनी का कोई बंदा नाले ही कम कर रहे? ऐसा पता करना तड़का हमेशा जी। पर मैडम,
टेंडर हमेशा चिश्ती साहब के तुहाडे सामने भरिया जांदा है ते चिश्ती साहब साढ़े बड़े पुराने बंदे ने, फिर किस तरह हो सकता है? हाँ याद आया, चिश्ती साहब की तबीयत हुन किस तरह है? जी मैडम वो पहले नालों बहुत बेहतर ने। खैर चिश्ती साहब कल इस्लामाबाद तो वापस आ जाण, मैं गल कर लूंगा। फिर साहब हुन तुसी जाओ। जी बेहतर है। मैनू तो लगता है वो कबूतर वांगू अखां बंद करके बह गए, ना वो कोई इंजुली नहीं। मैडम तुसी परेशान क्यों हुंदे हो? मैं हुणी रिपोर्ट लेके आनी है। परेशान मैं नहीं, परेशान ते ओ होंगे। हाँ बाबा, उधर के हालात की नहीं। मैं छेती दस तो हम सारे सामने आ जाए।